हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हर गैरेज की एक और फ्रेश वीडियो में। आज हमारे बीच में मौजूद है रेनो क्विड एंड ये इसका टॉप वेरिएंट है विच इज़ नोन एज क्लाइंबर। एंड ये जो इसका आप कलर देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज आउटबैक ब्रॉन्ज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में, तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। स्टार्टेड विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ क्विड क्लाइंबर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको DRL की यूनिट देखने को मिलती है। इसके जस्ट बैक में अगर आपको दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है। एंड हेडलैम्प्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कुछ यहाँ पे आपको एक सेपरेट यूनिट मिलती है जिसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं। इसके अराउंड आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक प्लास्टिक सी फिनिश देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको ऑरेंज का एलिमेंट दिया गया है। इसकी ग्रिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ग्रिल में आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। साथ में सेंटर में यहाँ पे रेनो का लोगो दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जो इसका बम्पर है वो आपको काफ़ी एजी देखने को मिलता है। रेस्ट इसके फ्रंट लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एंड बोल्ड लग रही है। लेट्स टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ क्विड। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको गन मेटल एंड ग्रे कलर में दिए गए हैं। इसका टायर सेक्शन है 165/75R14 का। फ्रंट वाले टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं एंड रियर टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है जो मुझे थोड़ी सी ऑडली प्लेस लगती है। मुझे लगता है कि अगर इसे ORVM पे दे दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में ORVM देखने को मिलते हैं एंड कुछ यहाँ पे आपको क्लाइंबर के इनिशियल्स प्रिंटेड मिल जाएंगे। जो हमारा डोर हैंडल है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं आपको ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो कि कार को माइनर स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है। ऊपर आपको रूफ रेल्स भी ऑफर किए गए हैं जिसके ऊपर अगेन यहाँ पे आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिल जाएगी। अगर आप एंटीना देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आपको एंटीना दिया गया है। अगर ये थोड़ा बहुत और बड़ा होता तो ये कार को ही पार कर जाता। एनीवेज, हाँ एक चीज़ और, ये जो आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं ये कार की सिर्फ लुक्स को एनहेंस करने के लिए हैं। यहाँ पर आप लगेज स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर आपको वार्निंग भी दी गई है, कॉशन डू नॉट अप्लाई लोड। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। बाकी इसकी साइड लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ क्विड क्लाइंबर। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉप पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके टेल लैम्प्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प्स दिए गए हैं वो LED नहीं है। कुछ यहाँ पे आपको उसका रियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ आप देखेंगे तो आपको रेनो की बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्विड की बैजिंग दी गई है। सेंटर में आपको रेनो का लोगो देखने को मिलेगा जिसके यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। नीचे आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं। लेट्स एक्सेस द बूट नाउ। बूट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको इस जगह पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 279 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको सेम ही डायमेंशंस के साथ ऑफर किया जाता है जो कि स्टील रिम है। क्विड के इंटीरियर की तरफ सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी जिसके ऊपर वाइट एंड ऑरेंज कलर में कुछ डिटेल्स दी गई है। पीछे अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है। एक छोटी सी ऑड बात मुझे लगी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्लास ऑफर नहीं किया गया, लिटरली मैं इसको टच कर पा रही हूँ। एनीवेज,
लेट्स टॉक अबाउट द कम्फर्ट। तो यहाँ पे आपको डिसेंट कम्फर्ट मिल जाती है एंड जो इसकी सिटिंग अपॉल्स्ट्री है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में बेहद खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको क्लाइंबर के इनिशियल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जो इसका ग्लव बॉक्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है ये। यहाँ पे आपको क्विड की बैचिंग दी गई है एंड जो डैशबोर्ड है उस पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है एंड जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अराउंड आपको यहाँ पे ऑरेंज फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टच इंफोटेनमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे एक अलग सी बात और लगी कि जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड के पावर विंडो के कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर पे आपको कहीं भी पावर विंडो के कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन भी मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ये ऑफर किया गया है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नीचे आपको जो एसी के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं उसकी क्वालिटी आपको यहाँ पे डिसेंट दी गई है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको यूएसबी एंड ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलते हैं। जो गियर नॉब है उसके ऊपर अगेन आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं। मुझे लगता है कि रेनो की जो स्टोरेज स्पेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जगह जगह पे आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इवन डोर पे भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल बात है ये। इसके ओवरऑल कैबिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस प्राइस रेंज में जो कैबिन इन्होंने ऑफर किया है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर कैबिन ऑफ क्विड क्लाइंबर। सबसे पहले मेरी हाइट 5'8" है एंड मैंने ड्राइवर साइड सीट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओके नी रूम देखने को मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट एंड हेडरूम से मुझे थोड़ी सी शिकायत लगी, बाकी रिक्लाइन एंगल भी आपको यहाँ पे ओके देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया गया है। बात करूं कि तीन लोग यहाँ पे इजीली बैठ पाएंगे या फिर नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कंफर्टेबली यहाँ पे तीन लोग बैठ पाएंगे, बट हाँ इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। रेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आती है उसके अकॉर्डिंग जो इसका रियर कैबिन है वो सच में बहुत अच्छा है। रेनो क्विड में आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको रेनो का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन दे दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।